दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है और हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। जैसे पहला नंबर में है VGC नेट की प्रिपरेशन जो कर रहा है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं करवाते हैं बल्कि सेकंड पेपर टू के लिए हम आपको जो है नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी फ्री में, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये पहला नंबर का है। दूसरा नंबर में हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करवाते हैं, जिसमें से बैंक पीओ में जो पार्टिसिपेंट होना चाह रहा है, जो बैंक पीओ बनना चाहता है, या रेलवे एग्जाम, यानी कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ समय समय पर जीके की क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स का हमारा एक क्रम चलता था, करंट अफेयर्स, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है, जो सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप पूरा PDF पा सकते हैं, पूरा बुक, वो भी भारत का इतिहास। यदि कोई CGPSC की तैयारी कर रहा है या बिहार PSC, झारखंड PSC, राजस्थान PSC, उत्तर प्रदेश के PCS जो भी तैयारी कर रहे हो और उनके सिलेबस में भारत का संविधान हो, और जो किताब हम आपको उपलब्ध कराएंगे उतने ही आपको पढ़ना है और ऑथेंटिक किताब है, यही से प्रश्न पूछा जाता है। आप नॉलेज के भंडार बन सकते हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को हो, भारत का इतिहास आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों हमने पूरा प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो आजादी तक की जो है पूरी जानकारी एक किताब में 100 पेज का है। इसमें आप जो है नोट्स बना सकते हो। आपको हम बता दें कि इस किताब में क्या क्या सिलेबस है, और ये सरकार के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है, सरकार ने इसको प्रकाशित किया है, यानी कि ये आप इस माध्यम से आप एग्जामिनेशन एजेंसी को चैलेंज कर सकते हैं, और यहीं से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। दोस्तों एक एक बात आपको बता रहे हैं, चाहे वो स्कूल के छात्र हो या कॉलेज का छात्र हो या विश्वविद्यालय स्तर पर वो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि भारत का संविधान बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है। हम थोड़ा सा कुछ झलक दिखा देंगे, लेकिन ये बुक आपको मिलेगा टेलीग्राम में, जी हाँ टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां पर जाइए और वहां से ये पूरा PDF का बुक जो है, बुक का जो PDF है वो पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपके पास में ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, भारत का संविधान का PDF। दोस्तों हमारी प्रयास हमेशा ये है कि जिनके पास में नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, उनको हम नोट्स और बुक्स उपलब्ध कराएं, वो भी फ्री में। और टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पर पैसा आएगा या उसमें एडवर्टाइजमेंट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। बस हम टेलीग्राम में इसलिए आपको जोड़ना चाहते हैं कि हकीकत में आप सीरियस बच्चे हैं, यानी कि आप हकीकत में ये कॉम्पिटिशन फाइट करना चाहते हैं, कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, और हकीकत में एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाहते हैं, आप में कुछ ड्रीम है, इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हीं बच्चे को दें जो इसको पढ़ सके, इसका मिसयूज ना कर सके, इसलिए हम टेलीग्राम में दे रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जाइए, हमने लिंक दे दिया है, उस टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वहां पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, वहां पर ज्वाइन होइए। इतना ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे जानकारी आपको मिलता रहेगा। ज्वाइन करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं है और न ही मुझे कोई फायदा है। बस इतना है कि आप हमारे वीडियो को रोज
उसमें जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। केवल इतना हमारा स्वार्थ है कि कुछ बच्चों को हमारा जो YouTube चैनल में जो वीडियो है उसको हम नोटिफाई करने के लिए, आपकी इच्छा है उसको देखें या ना देखें। आइए देखते हैं भारत के संविधान का सिलेबस क्या है, इस किताब में क्या क्या चीज उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सिलेबस के अनुसार, यानी कि कॉम्पिटेटिव सिलेबस के अनुसार से इस सिलेबस को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है, क्योंकि वो स्कूल का किताब है तो इसलिए यह 80 मार्क्स दिया हुआ है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, हर्षकालीन दक्षिण भारत, चोल प्रशासन, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, उदय कला, साहित्य का विकास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातिकरण, यूनानी, शक, हूड़, कुषाण, ये सब चीजों के बारे में आपको एक ही किताब में मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यहां पर देखिए मुगल आक्रमण, अरब आक्रमण, दाहिर सेन, नागभट, बप्पा रावल, ये तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर, रावल पतन सिंह, कुंभा, मुगल आक्रमण में राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी, पेशवा। आप, मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के हिसाब से आप अपने आप को परीक्षण कीजिए कि क्या मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता है। यदि पता नहीं है तो जरूर इस किताब को आपके पास में होनी चाहिए, ये किताब आपके पास में जरूर होनी चाहिए। उपनिवेशवादी आक्रमण में, यहाँ पर भारत में उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम, ये भी है। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में, बारे समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, जनजाति प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, ये सारे चीज़ें जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन में आप देखेंगे 1885 से लेकर 1907 तक की पूरी घटनाएं जो है, बंग भंग, कारण, ये कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य, 1907 तक की कार्यप्रणाली, 1907 से 1919 तक कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया, 1919 के अधिनियम, आलोचनात्मक विश्लेषण, प्रथम विश्व युद्ध, भारत, जलियांवाला हत्याकांड, ये सब 1920 से लेकर 1947 तक जो घटना हुई, अशोक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसके बाद में सविनय अज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 के भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, ये 42 का आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत विभाजन और स्वतंत्रता समस्याएं। तो ये सिलेबस में आपके है हर कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। चूंकि ये किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम सामग्री है, तो इसलिए आपको जो है हम आपको फ्री में पीडीएफ दिला रहे हैं। दोस्तों आप इसको जरूर रखिए। इस बुक का कुछ हम झलक दिखा रहे हैं कि किस तरह से समझाया है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जरूर पूछा जाता है इसके बारे में, ये पुरातत्व स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है, दो प्रकार का स्रोत होता है। पुरातत्व साहित्य में क्या क्या होता है, अभिलेख होता है, अभिलेख में क्या, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूर्ति लेख, यहाँ पर ताम्रप्रत अभिलेख जो है, ये इस तरह से सिक्के, मुद्राएं, मोहर, यहाँ से भी हमको प्राप्त होता है, स्मारक है, मूर्तियां, मंदिर है, शैल चित्रकला है। जैसे साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य में लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य, और विशुद्ध साहित्य में काव्य, नाटक, कथा, नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र में आपका यूनानी, चीनी, ये इसका विदेशी साहित्य है, विदेशी साहित्य में आपका जो यूनानी, चीनी, मुस्लिम, तिब्बती, ये जो साहित्य है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये आपकी किताब का जो है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, ज़बरदस्त पाठ है दोस्तों, ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। इस किताब में कुछ ऐसे भी चित्र हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये किसका है, महाकाय सांड, महाकाय यानी कि सांड है ये, जो महाकाय है इसका बड़ा शरीर है, और ये अलिनिया कोटा में पाया गया है, अलिनिया कोटा में पाया गया है दोस्तों, तो इसलिए आपको जो है समझना है इसको जो है, ठीक है, अलिनिया कोटा में पाया गया है।
तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे चित्र के माध्यम से आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए ये भित्ति लेख है, सेल चित्र है, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया गया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश का चित्र है। इसी तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या है, ये सब के बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ से ये पीडीएफ को जो है प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक यू।